प्यारे बच्चों, आपने कभी तेज आंधी में पेड़ को गिरते हुए देखा है? लेकिन हाँ, देखा होगा, लेकिन घास कभी नहीं गिर पाती। तेज वायु पेड़ को गिरा देती है, तोड़ देती है, लेकिन घास झुक जाती है तो वो अपने आप को बचा लेती है। इसका मतलब ये है कि आज हम आपको सहनशीलता और नम्रता के बारे में बताने जा रहे हैं। दो भाई बहन थे, एक थी सिया और एक उसका भाई। सिया जो थी वो नम्र स्वभाव की थी, सबके आगे नम्रता से बात करती, शिक्षकों से प्यार से बात करती, अपनी माँ का कहना मानती। और उसका भाई इसके विपरीत किसी भी बात को ढंग से नहीं सुनता, हर बात को बहस में टाल देता और अपने व्यवहार को अच्छा नहीं बना पाता। धीरे धीरे सिया बड़ी हो गई और उसे सफलता मिली। वो अपनी माँ के कहे पे चलती रही और वो बड़े होकर के एक मशहूर डॉक्टर बनी। और उसका भाई कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाया और पूरा जीवन बस इधर उधर घूम फिर के उसने अपने समय को बर्बाद किया। उसने अपने नम्र स्वभाव से अपने आप को बहुत ही मशहूर कर लिया और समाज सेवा के कार्यक्रम में जुड़ गई और एक खुशहाल जीवन जीने लगी। और बच्चों, उसका भाई हमेशा इस बात से पछताता रहा कि उसने अपने आप को सिया जैसा क्यों नहीं बनाया, बचपन में अपनी माँ की बातों को क्यों नहीं अपनाया। नम्रता व्यक्तित्व का एक सबसे बड़ा गुण होता है। प्यारे बच्चों, जिंदगी तो सब ही जी लेते हैं, लेकिन आज अपने गुणों को निखारो तो आपका कल खुशहाल बनेगा। तुम नम्र रहोगे तो क्रोधी का क्रोध शांत हो जाएगा। तुम नम्र रहोगे तो सामने वाले की छल्लाहट तुम पर नहीं होगी। तुम नम्र रहोगे तो तुम्हारी हर भूल को क्षमा कर दिया जाएगा। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए, नम्र बनो तो जग तेरा। और इस कहानी को जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।